गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम मेकअप करते हुए बहुत से मेकअप ब्रशेस, ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड मेकअप स्पंज का यूज़ करते हैं और इन्हें क्लीन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेकअप ब्रशेस तो बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाते हैं, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर ईजिली क्लीन नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो ये हमारे फेस पर लगे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ब्यूटी ब्लेंडर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भर जाता है और ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर्स को टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एटलीस्ट 1 वीक में 2 बार तो आपको इन्हें क्लीन करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप गंदे ब्यूटी ब्लेंडर से ही बार बार ही मेकअप करोगे तो एक तो आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं होगा, एंड सेकेंड गंदे ब्यूटी ब्लेंडर को ही बार बार यूज़ करना हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीन होता है। इससे आपकी स्किन पर पिंपल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है और ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं। इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने से पहले उसे बहुत ही अच्छे से क्लीन कर ही उसे यूज़ करें। सो आज मैं आपको ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन करने का बहुत ही ईजिली एंड क्विक मेथड बताऊंगी। इससे आपका ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाएगा एंड बिल्कुल न्यू दिखने लगेगा। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी मेरे पास ये 2 ही ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। एज़ यू कैन सी कितना ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें लगा हुआ है, कितना ज़्यादा फाउंडेशन एंड ब्लश इसमें लगा हुआ है। तो चलिए इसे क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले आप एक कांच के ग्लास में पानी लें, या फिर आप कांच का बाउल भी ले सकते हो। बस इतना हो कि उसमें हमारे ब्यूटी ब्लेंडर्स अच्छे से डीप हो जाएं। अब इस पानी में थोड़ा सा हम शैम्पू ऐड करेंगे। इसके लिए आप कोई भी अपनी पसंद का शैम्पू ऐड कर सकते हो। अब इस शैम्पू को पानी में मिक्स कर लें और अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स को इसमें डीप कर लें। अब इस ग्लास को माइक्रोवेव में रखें और 40 सेकंड का टाइमर लगा के इसे ऑन कर लें। सो 40 सेकेंड हो गए हैं और अब मैंने इसे माइक्रोवेव से निकाल लिया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है और इसमें जितना भी प्रोडक्ट था वो सारा इस पानी में आ गया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जिनके पास माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं है वो डायरेक्ट गैस पर ही पानी को गर्म कर लें और उसमें शैम्पू को एंड ब्यूटी ब्लेंडर को ऐड कर लें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर में जितना भी फाउंडेशन, ब्लश एंड जितना भी प्रोडक्ट लगा हुआ था सारा वो इस पानी में आ चुका है। एंड अब आप इसको इस तरीके से प्रेस कर इसमें से जितना भी गंदा पानी है वो सारा निकालेंगे, और जितना भी थोड़ा बहुत अगर इस पर और भी प्रोडक्ट लगा हुआ है तो आप इस तरीके से अपने हाथों से ही इसे रब करेंगे, जिससे कि प्रोडक्ट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ब्यूटी ब्लेंडर से। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ब्यूटी ब्लेंडर से सारा प्रोडक्ट निकल गया है एंड ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है। बट अब हम इसमें से ये गंदे पानी को भी निकालेंगे। सो इसके लिए अब हम इसे क्लीन पानी के नीचे वॉश करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे अब क्लीन पानी से बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लें और इसे बार बार प्रेस करते रहें, जिससे कि इसमें जितना भी गंदा पानी रह गया है एंड जितना भी प्रोडक्ट रह गया है वो बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। तो 3-4 बार इसे प्रेस करें, अच्छे से पानी से इसे क्लीन करें एंड आपका सारा प्रोडक्ट इसमें से निकल जाएगा। तो मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर में से सारा प्रोडक्ट निकाल लिया है एंड सारा गंदा पानी भी इसमें से निकल गया है और ये अब बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है। बस अब हम इसे नॉर्मली एयर ड्राई में ड्राई करेंगे एंड आप इसे किसी क्लीन जगह पर रख दो और 5 से 10 मिनट में ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा और उसके बाद आप देखोगे कि ये बिल्कुल नया जैसा दिखने लगेगा। सो आप देख सकते हैं कि मेरे ब्यूटी ब्लेंडर पूरी तरीके से ड्राई हो गए हैं एंड ये बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। इसमें से सारा प्रोडक्ट अच्छे से निकल गया है एंड ये बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। सो इस तरीके से आप ब्यूटी ब्लेंडर्स को बहुत ही क्विकली एंड बहुत ही ईजिली क्लीन कर सकते हो एंड ये मेथड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो इसे ट्राई करके देखो, आपका ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाएगा एंड हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर्स को जब भी आप यूज़ करो तो इसे क्लीन करके ही यूज़ करो, गंदे ब्यूटी ब्लेंडर को बिल्कुल भी ना यूज़ करो। और इस तरीके से आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत ही ईजिली क्लीन कर सकते हो। सो इसे ट्राई करके देखो एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। See you in next video guys. Take care. Bye.